आप लोगों की इंस्टाग्राम सजेशन के बाद मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपको ये झूला अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक करना, अच्छा नहीं लगा है तो अनलाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसे बनाने के लिए बहुत ही कम चीज़ें चाहिए, जैसे कि ये ट्यूब वाला फेविकॉल और फोम शीट, ग्लिटर और नॉर्मल, आप दोनों में से कोई से भी ले सकते हैं। ये होता है फेविबॉन्ड, ये जो है इससे हम बहुत सी चीज़ों को बहुत ही मजबूती से चिपका सकते हैं, उन चीज़ों को चिपका सकते हैं जिससे हम फेविकॉल से नहीं चिपका सकते। तो कुछ चीज़ें स्क्रीन पर दिख रही हैं और कुछ कलर शीट्स दिख रही हैं, ये सब चाहिए आपको ये झूला बनाने के लिए। तो सबसे पहले एक कार्डबोर्ड लेना है, उसको 18 सेंटीमीटर रेडियस में इस तरह से दो सर्कल बनाने हैं, एक 18 सेंटीमीटर का, एक उससे 2 सेंटीमीटर कम का, और उसे इस तरह से कट कर लेना है एक रिंग की तरह। आप लोग किसी पुराने नोटबुक का कवर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम अपने मनपसंद चार्ट पेपर पर रख कर इसको ट्रेस कर लेंगे। और यहाँ मैंने यूज़ करा है रेड कलर का चार्ट पेपर, आप चाहें तो किसी और कलर के पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ये आसानी से आपको मिल जाएगा, बस आपको बोलना है हमको कलर चार्ट शीट चाहिए थिक वाली। तो अब हम इसे कट करके बाहर निकाल ले रहे हैं और यहाँ पर डबल साइड टेप लगा रहे हैं। ग्लू मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ग्लू लगाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो डबल साइड टेप से फटाफट चिपक जाता है। और कॉर्नर्स इस तरह से कट लगाने के बाद हम इसी ग्लू से चिपका ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारे रिंग का एक तरफ तो कवर हो जाएगा, दूसरी तरफ को कवर करने के लिए जो दूसरा पार्ट हमने ट्रेस करा था उसे हम इसके ऊपर चिपकाएंगे। उससे पहले ये बीच वाले पार्ट को हम इस तरह से ट्राइंगल्स में कट करके चिपका ले रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर चिपका देंगे और फिर सर्कल वाले इनर पार्ट को कट करके बाहर निकाल देंगे कटर की मदद से। तो इस तरह से एक रिंग बन जाएगी प्यारी सी। अब हम इसके ऊपर अपने आर्टिफिशियल फॉर्म शीट वाले रोज को लगाएंगे, तो उन्हें कैसे बनाना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने मनपसंद कलर की शीट लेनी है, फॉर्म शीट, उसके ऊपर इस तरह से लाइंस बनानी है। उसके बाद इसे कैंची से काट लेना है और फिर क्या करना है पता है, जैसे हम अपने बालों को स्कूल टाइम में दो चुटिया बनाते थे ना उनको, सेम वैसे ही इनको भी हमें बालों की तरह गूंथ लेना है कुछ इस तरीके से। और ये करने के बाद हम इसका रोल बना लेंगे। पहले फर्स्ट वाले को इस तरह से आप ध्यान से देखिए, आपको नहीं आता है तो अपनी मम्मी की भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे कर रहे हैं वन बाय वन पूरा एंड तक, और लास्ट में हम इसे फेविबॉन्ड चिपका देंगे, जैसा कि हम बालों में रबर बैंड लगाते हैं, तो यहाँ पर हम फेविबॉन्ड से इसके एंड्स को चिपका देंगे और फिर हम इसे रोल रोल करेंगे, तो ये बन जाएगा सुंदर सा एक फ्लावर। तो हमें बस इसे रोल करना है पकड़कर और ये अपने आप फ्लावर की शेप में आ जाएगा, और फिर से हमें किनारे वाले को फेविबॉन्ड की मदद से चिपका देना है कुछ इस तरीके से। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ मेरी एक फ्रेंड जो कि एक यूट्यूबर हैं और उन्होंने शुरू किया है अभी यूट्यूब पर वीडियोस बनाना। वो काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाती हैं और उनके जो टॉपिक्स हैं टेक वीडियोस होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। तो हम लोगों की बात इंस्टाग्राम पर हुई थी और उनका लाइव वीडियो चल रहा है अभी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनको अपने वीडियो में इंट्रोड्यूस करा दूँ। वो बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाती हैं और बहुत ही यूज़फुल वीडियोस बनाती हैं, तो प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। हो सकता है वो फिर से लाइव आए और उनके लाइव में अगर मैं ज्वाइन करूँ तो आपको पता चले कि क्रिएटिव पीयू है कौन, क्योंकि मुझे लाइव वीडियोस करना और एकदम से कैमरे के सामने आना पसंद नहीं है, तो शायद उनके वीडियो में आप लोग मुझे देख सकें। तो उनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इंस्टाग्राम पर उनको फॉलो कर लेना, मैं उनका क्लिप आपको यहाँ पर दिखा दूँगी। तो हमारा जो फ्लावर था उसके लिए ये मैंने लीव्स कट करी हैं, इसके लिए मैंने ग्लिटर शीट यूज़ करी है और इसे भी मैं फेविकॉल की मदद से फ्लावर्स के ऊपर चिपका दूँगी कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा ऑरेंज कलर का जो है रोज़ वो बन जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग सा। तो
इस तरह से आप चाहें खुद बना सकते हैं। ये है इनके चैनल का नाम है फ्रीबी और यूट्यूब पर है ये फ्रीबी वाईटी नाम, सॉरी इंस्टाग्राम पर है फ्रीबी वाईटी नाम से। और इन्होंने लाइव सेशन करा था, मैंने वो ज्वाइन करा था, तो उसका क्लिप मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। प्लीज़ एक बार इनको भी फॉलो कर लेना। हम चलते हमारे वीडियो की आगे की तरफ और यहाँ पर मैं एक और रोज़ बना रही हूँ रेड कलर का। अगर आपको फर्स्ट वाला नहीं समझ में आया तो आप इसे देख सकते हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में है ये। इस तरह से आपको बनाना है और किनारों को जो है फेविबॉन्ड की वजह से चिपका लेना, इस तरह से रोल करना है और फेविबॉन्ड से चिपकाते जाना है। तो इस तरह से आप सुंदर सुंदर रोज़ बना सकते हैं। और हाँ, हम दोनों के अकाउंट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो प्लीज़ चेक कर लेना। तो ये मैंने बहुत सारे फ्लावर्स बनाए हैं और उनको फेविबॉन्ड की मदद से सर्कुलर रिंग के ऊपर लगा दिया है कुछ इस तरीके से। जल्दी जल्दी बताएं क्योंकि ये आसान है लगाना, इसके बाद हम करेंगे आगे का काम। तो इस तरह से मैंने लीव्स को भी लगा दिया है, दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है और ऐसा लग नहीं रहा है कि ये हैंडमेड, वो भी फॉर्म शीट से बनाए हुए रोज़ हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सुंदर है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। ज़रूरी नहीं है झूले में, किसी भी DIY में आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका बेस बनाएंगे। उसके लिए हम वापस से कार्डबोर्ड लेंगे सेम 18 सेंटीमीटर का, इस तरह का मार्क करके कट कर लेंगे और इसे भी रेड कलर के पेपर से कवर कर देंगे। अगर आपके जो हैं कृष्णा वो बड़ी साइज के हैं तो ये मेज़रमेंट आपको बढ़ानी होगी, 18 सेंटीमीटर की जगह आपको 25 या 13 सेंटीमीटर लेना होगा। मेरे जो कृष्णा के साइज़ है वो बहुत ही छोटी है, वो कम से कम 3 इंच के ही होंगे, तो इसलिए मैंने इसे बहुत छोटी साइज़ का बनाया है। तो यहाँ भी मैं डबल साइडेड टेप यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से हम इसके बेस के ऊपर कलर पेपर को कवर कर देते हैं। आगे का वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, मुझे नहीं लगता वॉइस ओवर की ज़रूरत है। तो वीडियो देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, बहुत मेहनत लगी है। और जितना अच्छा आपने राखी के वीडियो पर रिस्पॉन्स किया था इस वीडियो पर भी कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। और अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं बहुत सारी मिस्टेक्स करती हूँ मुझे पता है, तो आप लोग बता देते हैं ना तो अगले वीडियो में वो मिस्टेक्स नहीं होती हैं। तो ज़रूर कमेंट करना और इसी तरह से चैनल पर बने रहना। तो हम मिलेंगे अगले नए वीडियो पर, अभी आप इस वीडियो को पूरा देखना, पता है बड़ा है पर बहुत अच्छा है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना।